परीक्षा 2023 आज हो रही है। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी। आयोग ने 10 जिलों में 22 केंद्र इसलिए बनाए हैं। 5 दिन तक ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में 6,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो वहीं अगर बात इंदौर की करें तो इंदौर में 9 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बता दें कि 229 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई हैं, जिसे लेकर आज परीक्षा है और आज सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी। आयोग ने 10 जिलों को सिलेक्ट किया है, जिसमें 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5 दिनों तक परीक्षा चलेगी। परीक्षा में 6,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अगर इंदौर की अकेली बात करें तो इंदौर में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 229 पदों पर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पीयूष पारे इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आज परीक्षाओं का शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से केंद्रों पर व्यवस्था की गई है? देखिए, बिल्कुल, एमपीपीएससी 2023 को लेकर जो परीक्षा आयोजित की गई है राज्य सेवा, उसका आज पहला दिन है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल 29 केंद्र पूरे मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं और उसके अलावा 9 जो केंद्र हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंदौर में बनाए गए हैं। और इस वक्त हम होलकर साइंस कॉलेज में मौजूद है, जिसे यहाँ पर केंद्र बनाया गया। और आप देखें, हलचलें तेज हैं। 45 मिनट पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स को पहुँचना होगा। बहुत ही सख्त गाइडलाइन यहाँ पर बनाई गई है, चूँकि जिस तरीके से हमने देखा है कि एमपीपीएससी 2023 की ये मुख्य परीक्षा है। मेंस परीक्षा दिसंबर में आयोजित हुई थी और इसके बाद में मेंस की जो एग्ज़ाम थी उसको लेकर खासा यहाँ पर बवाल भी मचा था कि बहुत ही कम टाइम स्टूडेंट को यहाँ पर तैयारी के लिए दिया गया। लेकिन आयोग ने साफ कर दिया था कि जो परीक्षाएँ हैं वो समय पर होगी और आज से 11 मार्च से कहने के यहाँ पर ये परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 229 पद हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर है, पुलिस उप अधीक्षक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत है, विकासखंड अधिकारी है, नायब तहसीलदार है और आबकारी उप निरीक्षक सहित 229 पदों के लिए एग्जाम रखी गई है। और इसके अलावा हम लोग बात करें, 6,500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। बहुत निश्चित तौर पर परीक्षाओं को लेकर साफ तौर पर दिशा निर्देश भी कड़े दिए गए हैं और समय से पहले वहां पर पहुंचना होगा, ये भी गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। लेकिन 5 दिन तक ये परीक्षा चलेगी, तो देखिए जी, सर 3 महीने का समय मिला था तो तैयारी तो नहीं हो पाई, फिर भी मतलब लगभग तैयारी की है। जी, कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आप? मतलब कोचिंग कर चुके हैं पहले, आज़ाद पृथ्वी अकेडमी से कोचिंग की है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। प्री का कैसा रहा आप लोगों का और अब जब मेंस हो रहा है तो क्या कुछ आप लोगों ने तैयारी इस बीच की? सर मेरे मतलब जैसे ओबीसी में आते हैं तो मेरे 76 नंबर थे पर नहीं हुआ, पर दोस्तों का पेपर दिलाने के लिए आए हैं। आप इनके पेपर दिलाने के लिए कितना आप तैयारी कर ली आप लोगों ने? चलिए देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं और आप देखें कि जिस तरीके से लगातार स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल जो है वो एग्ज़ाम हॉल का रुख कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन टफ है और जिस तरीके से महज 229 पद है, 6,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं दिनेश की किस तरीके से यहाँ पर तैयारी यहाँ पर की गई है। लेकिन इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे, स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक भी की कि इसकी तारीखों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन शेड्यूल कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए एमपीपीएससी ने आयोग ने साफ कर दिया था कि 11 मार्च से ही परीक्षाएं शुरू होंगी और अब कुछ ही देर में यहाँ पर एग्जाम्स 10 बजे से पेपर शुरू होने जा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो एमपीपीएससी मेंस